हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बात करते हैं आज के बिग बॉस के एपिसोड की। तो आज का जो एपिसोड था बड़ा स्लो था मेरे लिए तो, और काफ़ी बोरिंग भी था। तो एपिसोड में सबसे पहले हमने देखा कि हाउसमेट एंड उनके फैमिली मेम्बर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, और वहीं पे सना आती है गार्डन एरिया में एंड सिद्धार्थ को बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही थी, मुझे ना तेरी बहुत याद आई। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट आई वॉन्ट यू इन अ वॉशरूम। आई वॉज लाइक, अब अगर ये एंटरटेनमेंट के लिए कहा गया है या मजाक में भी है तो ऐसा एंटरटेनमेंट और ऐसा मजाक मुझे कम समझ में आता है। बट अगेन, बिकॉज सना बिग बॉस की काफ़ी बड़ी फैन है, गौतम गुलाटी की काफ़ी बड़ी फैन है, तो उन्हें लग रहा है कि एक चीज़ जो अभी तक शो में मैंने नहीं की है वो है बाथरूम रोमांस, जो कि गौतम ने डाइंड्रा के साथ किया था और सीजन 7 में गौहर ने कुशाल के साथ किया था। तो अगर ये वाला है सना का तो ये तो होने नहीं वाला, क्योंकि सिद्धार्थ ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो मुझे ये जो सीन था बड़ा ही अजीब सा लगा कि यार इतना क्या तुम्हें एंटरटेन करना है कि आप कुछ भी बोल रहे हो। उसके बाद हमने देखा हिमांशी, विकास और आसिम का एक था कि वो लोग चिढ़ा रहे थे आसिम को और आसिम सीरियस हो गया। उसके ऊपर मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, बहुत बोरिंग चंक था वो एंड बेफिजूल का था। वहीं पे बेडरूम में सना अपने ब्रदर के साथ बैठी है, सिद्धार्थ बात कर रहा है आई थिंक शेफाली से या विकास से, तो सारे उस कैप्टन रूम में थे। एंड सिद्धार्थ ने ऐसे ही बोल दिया कि शो के बाद तू मेरी एक्स हो जाएगी, और वहाँ सना बोल रही है मतलब मैं तेरी अभी प्रेजेंट में गर्लफ्रेंड हूँ, और सिद्धार्थ ने बोला नहीं दोस्त भी एक्स होते हैं। फिर सना ने बोला कि तू नहीं गंदे गंदे थॉट सोचना बंद कर दे। एंड आई वॉज लाइक, मतलब अभी वॉशरूम वाली बात की सना ने और गंदे गंदे थॉट्स आते हैं सिद्धार्थ को, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलती है लड़की। तो मुझे लगा यार ये ऐसे बोल कैसे देती है, मतलब फॉर मी यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि जो बंदा है वो आपके लिए गलत सोच रखता है। तो ये सब हुआ। फिर रात को भी वो बैठे, रात को भी इधर उधर की बातें हो रही हैं, सना वहाँ पूछ रही है कि शेफाली ने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा, इनका ये सब हुआ। और फिर सुबह हुई, इनको एक टास्क मिला जिसमें इनको जो मूवमेंट्स हुए हैं, जो आइकॉनिक मूवमेंट्स हैं बिग बॉस 13 के, वो इनको रिक्रिएट करने थे। तो यार रिक्रिएशन क्या होती है? रिक्रिएशन होती है कि जो भी कुछ हुआ है उसको आपको जैसा है वैसा रिक्रिएट करो ना, अपने तरीके से, मतलब दूसरे सदस्य करें लेकिन रिक्रिएट तो वही करना है ना जो हुआ है। तो मुझे पर्सनली सिद्धार्थ का बहुत अच्छा लगा, बहुत फनी था, इतना हंस हंस के मैं मर गई, बहुत फनी था। एंड सिद्धार्थ ने जो किचन में आके बोला ना कि मैंने इतने टेक लिए और इतना पानी रश्मि पर डाला, मुझे मजा आ गया। अब मुझे लगता है ये जो चीज़ें होती है ना ये एक्चुअली एंटरटेन करती है, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और एक बच्चे की तरह ना सिद्धार्थ बिहेव करते हैं सच में। और वहीं पे जो सना ने रिक्रिएट किया, ओ माय गॉड, मतलब आरती ने बहुत अच्छी कॉमेडी की थी उस राउंड में। एंड सना ने तो कॉमेडी में भी रोमांस डाल दिया विशाल और आसिम को ला के, तो वो रिक्रिएशन नहीं हुआ, वो आपने जो आपकी सोच है ना आपने अपनी सोच भी उसमें डाल दी। मुझे माहिरा का बहुत अच्छा लगा। और बाद में जो पारस और माहिरा ने सिद्धार्थ और सना का किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक पारस तो बैंग ऑन था उस एक्ट में। तो मेरे लिए तो जो विनर टीम थी वो सिद्धार्थ वाली थी, लेकिन इनमें क्योंकि सहमति नहीं हुई, अब घर वाले भी तो सहमत कैसे हो जाएंगे, फिर ना तो वो उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। अब इस सब के बाद लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ पे सिद्धार्थ ने रश्मि की बात छेड़ दी, विशाल ने बोल दिया रश्मि पीठ पीछे कुछ और बोलती है, ये भी एक मुद्दा बन गया क्योंकि दिखाने को बहुत कम कंटेंट है, मतलब 16 सदस्य हैं तब भी। तो बिग बॉस ने उनकी लड़ाई दिखा दी कि रश्मि गुस्सा हो गई, विशाल वहाँ मना रहे हैं ये सब। और बाद में लास्ट में आते आते जो कैप्टेंसी टास्क था उसका दिखाया गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सना इतनी इनसिक्योर क्यों है, क्योंकि कई बार तो वो कहते हैं कि मैं तो इस घर से अभी नहीं जाऊंगी, मैं जा ही नहीं सकती, अभी तो मेरे से ज़्यादा कमज़ोर खिलाड़ी हैं। और उस दिन वो रोने भी लग गई थी कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि मैं निकल रही हूँ, जब उनके साथ एक प्रैंक किया था सलमान खान ने। अब उनको इतना डर लग रहा है कि वो चाहती नहीं है कि जो सिद्धार्थ है वो पारस और माहिरा का साथ दे। अब मतलब सिद्धार्थ की यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। और पारस ने बोला भी तुझे हुआ क्या है, तो बोल रहा है यार मुझे टीम नहीं तोड़नी है, पहले अपनी टीम को रखना है, बाद में तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन सना और उसका भाई, मतलब वो मुझे लग रहा है दोनों कुछ और ही खेल रहे हैं। सना बोल रही है कि जैसा वो करे ना सिद्धार्थ तो वैसा कहे, और सिद्धार्थ ने उसके भाई को बोला मैंने तुझे बोला कि तू जो मैं कहूँ वो कर, उसका भाई बोल रहा नहीं। तो मतलब यार कर क्या रहे हैं दोनों भाई बहन, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी जगह सही है। मतलब गेम सना को आज तक समझ नहीं आया कोई सा भी, और उनको मतलब अपना मुद्दा वहाँ पे लाना है और उसके बाद वो ड्रामा करती है। मतलब सिद्धार्थ बैठा है नाराज़ हुआ है, अभी क्या होता है ना ये
लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होता है लड़कों को कैसे मनाना है, तो बार बार उसके गालों पे हाथ लगा रही है कि ये मतलब किसी तरह भी इसको मैं मना लूं और ये जो मैं चाहती हूँ वो वाली बात कर दे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सिद्धार्थ इतने भी बच्चे नहीं हैं, वो गेम को अच्छे से समझते हैं। और एक चीज़ मैंने देखी आज के एपिसोड में, कल मैं बोल रही थी कि कश्मीरा अच्छा एंटरटेन कर रही है लेकिन कश्मीरा तो अलग ही जोन में चली गई, आज भारती को बोल रही आसिम का साथ देते हैं क्योंकि सिद्धार्थ फिनाले में तेरा कॉम्पिटिशन है, मतलब टॉप टू आरती और एक्स वाई जेड किसी के बीच होने वाला है। मतलब ठीक है आरती भी शो जीत सकती है लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि टॉप टू में आरती है और आरती को सेलेक्ट करना है, आसिम को ले जाना है या सिद्धार्थ को ले जाना है, मतलब ये भी अपने आप में एक जोक था आज एपिसोड का। जो टास्क होगा वो तो होगा कल, जिसमें हम देखेंगे कि सना के ब्रदर और पारस मायरा के बीच लड़ाई हो रही है, शफाली और आई थिंक कश्मीरा विकास की लड़ाई हो रही है, और सिद्धार्थ जैसे मैंने कल के रिव्यू में भी कहा, सिद्धार्थ महान बनते हुए कह देंगे कि अगर विकास ने गलत किया है तो मुझे निकाल दो, बट अकॉर्डिंग टू मी विकास ने गलत नहीं किया है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रेटजी या पॉलिटिक्स या कुछ भी बोलो यार, आपको उसने बोला पैसे गिनवाओ, आप बेवकूफ़ हो, आपको अपने पैसे देने ही नहीं चाहिए किसी को, और आपने वो जमीन पे रख दे कि गिन लो। अब उसमें जो दूसरी पार्टी का बंदा है उसने उठा लिए, यानी कि चोरी, और इस वाले टास्क में हो सकता है ऐसा, तो ये मेरा मानना है। अब बाकी क्या होगा वो तो बिग बॉस खुद बताएंगे लोगों को कि आपने गलत किया या सही किया। तो मेरे लिए तो आज के एपिसोड में यही सब था, बाकी तो कुछ खास था। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो। अब मैं आपसे मिलूंगी कल, बाय।